जिम्मेदारी किसकी तय हुई, तेजस्वी यादव की या कांग्रेस पार्टी की? नहीं नहीं, ये तो मैं आपको जानता हूँ, कांग्रेस विचारधारे वाली पार्टी, संघर्ष वाली है, कभी हार जीत की परवाह कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है और कांग्रेस देश के मुद्दों पर और संविधान और लोकतंत्र के मुद्दों पर पार्टी सर्वोपरि उनके लिए नहीं है और सत्ता सर्वोपरि कांग्रेस के लिए नहीं है। इसलिए हार जीत होती है और हार निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, पार्टी वर्कर के लिए कष्टदायक होता है, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन नेता के एफर्ट्स में, मेहनत में, जितना प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की और जितना राहुल जी ने मेहनत किया है वो लेकिन हर फैसला आरजेडी ने लिया, आरजेडी चली बिहार में, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में सफलता नहीं मिली तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जीते तो उनकी वाहवाही, हारे तो उनकी जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं न कहीं चूक हुई है और यदि अधिक से अधिक प्रियंका गांधी जी का रोड शो और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम होता और जिद हमारे युवराज जी का थोड़ा कम हो गया होता, दिल बड़ा हो गया होता, तो कोशिश सीमांचल मिथिलांचल सब के सब सारे स्वीट स्वीप करते, हम लोग मिल करके चलते। अब पता नहीं हमसे या हम ही कहिए, हम ही से कोई भूल नहीं होगी कि उन्होंने उनको तकलीफ हुआ, लेकिन देश के और लोकतंत्र के मुद्दों पर और देश बचाने के मुद्दों पर पप्पू यादव को मैटर नहीं था और हमको मैटर बनाना ये सही नहीं था। जिस मिथिलांचल सीमांचल और कोसी की आप बातचीत करते हैं, 8 में से एक भी मंत्री उस पूरे क्षेत्र से सरकार तक ने नहीं दिया, नहीं देता है, कभी नहीं देता है, क्यों देगा कौन? वहां पर तो बहुत इधर तो या तो माइनोरिटीज के लोग हैं या नहीं तो यादव लोग या अत्यंत पिछड़ा के लोग हैं। तो रामनाथ ठाकुर को जी को मिली या कर्पूरी जी को, तो जाति के आधार पर मंत्रिमंडल दिया जाता है, आप उठा करके देखिए ना, जाति के आधार पर मंत्रिमंडल, काबिलियत के आधार पर कहां मिलता है? कांग्रेस के प्रति जो निर्मला सीतारमण है सबका कौन बहुत सारा का काबिलियत है भाई। कांग्रेस से जिम्मेदारी किसकी तय हुई, तेजस्वी यादव की या कांग्रेस पार्टी की? नहीं नहीं, ये तो मैं आपको जानता हूँ, कांग्रेस विचारधारे वाली पार्टी, संघर्ष वाली है, कभी हार जीत की परवाह कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है और कांग्रेस देश के मुद्दों पर और संविधान और लोकतंत्र के मुद्दों पर पार्टी सर्वोपरि उनके लिए नहीं है और सत्ता सर्वोपरि कांग्रेस के लिए नहीं है। इसलिए हार जीत होती है और हार निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, पार्टी वर्कर के लिए कष्टदायक होता है, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन नेता के एफर्ट्स में, मेहनत में, जितना प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की और जितना राहुल जी ने मेहनत किया है वो लेकिन हर फैसला आरजेडी ने लिया, आरजेडी चली बिहार में, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में सफलता नहीं मिली तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जीते तो उनकी वाहवाही, हारे तो उनकी जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं न कहीं चूक हुई है और यदि अधिक से अधिक प्रियंका गांधी जी का रोड शो और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम होता और जिद हमारे युवराज जी का थोड़ा कम हो गया होता, दिल बड़ा हो गया होता, तो कोशिश सीमांचल मिथिलांचल सब के सब सारे स्वीट स्वीप करते, हम लोग मिल करके चलते। अब पता नहीं हमसे या हम ही कहिए, हम ही से कोई भूल नहीं होगी कि उन्होंने उनको तकलीफ हुआ, लेकिन देश के और लोकतंत्र के मुद्दों पर और देश बचाने के मुद्दों पर पप्पू यादव को मैटर नहीं था और हमको मैटर बनाना ये सही नहीं था। जिस मिथिलांचल सीमांचल और कोसी की आप बातचीत करते हैं, 8 में से एक भी मंत्री उस पूरे क्षेत्र से सरकार तक ने नहीं दिया, नहीं देता है, कभी नहीं देता है, क्यों देगा कौन? वहां पर तो बहुत इधर तो या तो माइनोरिटीज के लोग हैं या नहीं तो यादव लोग या अत्यंत पिछड़ा के लोग हैं। तो रामनाथ ठाकुर को जी को मिली या कर्पूरी जी को, तो जाति के आधार पर मंत्रिमंडल दिया जाता है, आप उठा करके देखिए ना, जाति के आधार पर मंत्रिमंडल, काबिलियत के आधार पर कहां मिलता है? कांग्रेस के प्रति जो निर्मला सीतारमण है सबका कौन बहुत सारा का काबिलियत है भाई? कांग्रेस से
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।